सदियों से शहर को अपने स्नेह से सहलाती ये यमुना नदी किसी खास के इंतजार में सज धज कर खड़ी ये नौकाओं की लड़ी। ये घाट की सुंदर छवि जहां पर हर भक्त ने अपने भगवान से अपने मन की कही, जहां राधे राधे से स्वागत हो और राधे राधे से ही रुखसत हो, वो शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं जिसकी हर धड़कन में कृष्ण हो। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ। अगर आप अब तक नहीं समझे तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इस समय वहाँ हूँ, उस नगरी में हूँ जिसे पौराणों में उनका जन्म स्थल बताया जाता है। इनकी महिमा अपरंपार है। हम इंसानों की शख्सियत से मिलती जुलती है, सबसे करीब किसी भगवान की अगर शख्सियत होगी तो वो इन्हीं की है। मनुष्य को जीवन को देखने का अंदाज या उनके उपदेश हो, उनका नटखटपना हो या उनकी रासलीला हो, उनका वस्त्र धारण करने का अंदाज हो या फिर उनकी माँ के प्रति उनका प्यार हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कृष्ण भगवान की, और इस समय मैं हूँ कृष्ण के जन्म स्थल मथुरा में। आप जानते हैं जिस यमुना के ऊपर, जिस पावन यमुना के ऊपर हमारी कश्ती इस समय सवार है, हमारे पुराणों के अनुसार इसी यमुना को नन्हे कृष्ण ने शीशनाग की छत्रछाया में पार किया था। मथुरा का जिक्र अगर महाभारत में है तो मथुरा का जिक्र रामायण में भी है। तो सोचिए कितनी प्राचीन नगरी होगी ये, और इसकी धरती में कितना ऐतिहासिक खजाना छुपा होगा। आज समय हमें जितनी भी अनुमति देगा उतना खजाना हम यहाँ से बटोर कर आगे बढ़ेंगे। बनवारी बन आयो रे, हारे बन आयो रे, हम्बे बन आयो रे, हारे बन आयो रे, हम्बे बन आयो रे, बन आयो मोहनी बनवारी बन आयो रे, कहाँ छोड़ी रे यान लकुटे कमरिया, कहाँ छोड़ी रे यान लकुटे कमरिया, कहाँ छोड़े बछड़ा बचिया लाला, कहाँ छोड़े बछड़ा बचिया, बन आयो रे। इस कड़ी में भगवान कृष्ण की सबसे चहेती नदी यमुना के विश्राम घाट की बताऊंगा पौराणिक कथाएं, कराऊंगा दर्शन उस स्थान का जिसे चक्रधारी भगवान कृष्ण का जन्म स्थान माना जाता है। मथुरा के मशहूर पेड़ों का जानूंगा राज, देखेंगे कैसे नमामि गंगे मथुरा में एक नई तकनीक से कर रहा है जल संरक्षण, अतीत के रंगों में वशीभूत कर देगा मथुरा संग्रहालय। भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होंगे बांके बिहारी मंदिर में, जाऊंगा कृष्ण की रासलीला जानने निधिवन में, इस्कॉन के मंदिर में होगी मुलाकात देश विदेश से आए भक्तों के साथ, और एक शाम यमुना पर कृष्णा की बांसुरी के साथ। कृष्णा नगरी मथुरा राजधानी दिल्ली से लगभग 183 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पौराणिक कथाओं में यमुना और भगवान कृष्ण का नाता भी अटूट भक्ति का है। ऐसी एक कथा में जब वासुदेव नन्हे कृष्ण को कंस के प्रकोप से बचाने नंदगांव छोड़ने जा रहे थे तो अचानक
यमुना ने अपना जल स्तर बढ़ाना शुरू कर दिया और फिर नन्हे कान्हा के पांव छूकर उन्हें रास्ता देने को अपना जल स्तर कम कर दिया। यमुना और कृष्ण के इसी अलौकिक रिश्ते के चलते कंस वध के बाद भगवान कृष्ण ने यमुना के इसी घाट को अपने विश्राम के लिए चुना था। इसी मान्यता के चलते ये घाट विश्राम घाट के रूप में जाना जाने लगा। और मथुरा में जो 25 घाट हैं, उनमें से ये सबसे प्रमुख है। ऐसी जगह कम ही होंगी जहां सब कुछ भगवान को समर्पित हो। फिर चाहे आंखें मूंदे भक्ति मलिन भक्तजन हो या फिर बाजार में बाल गोपाल लड्डू गोपाल की मन भावन मूर्ति, सब कुछ देवकी नंदन का और सब कुछ उनको अर्पित। और ये मेरे पीछे मथुरा के खजाने का ऊपरी केंद्र है, एपिसेंटर। महाभारत का वो सारथी जिसने इस ऐतिहासिक रथ पर बैठकर अर्जुन को जीवन का ज्ञान दिया था, आज इतनी सदियों के बाद भी लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। उन्हीं पुराणों के अनुसार उस सारथी का कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था। अब कृष्ण की जन्मस्थली में मेरा सफर यहाँ से शुरू होना तो लाजमी है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म का नाश होगा और अधर्म फैलेगा तब तब मैं स्वयं जन्म लूंगा, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था। अगर आप कृष्ण को समझेंगे तो ये जानेंगे कि उनके जीवन से जुड़ा हर पहलू स्वार्थ रहित है, यहां तक कि उनका अपना जन्म भी। कृष्ण कहते हैं, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति सदा तनाव मुक्त रहकर प्रसन्नचित रहता है। यही सोच है जो शायद मुझे मेरे कृष्ण से जोड़कर रखती। कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। यह कृष्ण का ज्ञान जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, अगर इसका पालन हम करेंगे तो यकीन नहीं, ये दावा है, हमारे अनेकों कष्ट दूर चले जाएंगे। पुराणों में लिखा है कि यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो ये मंदिर कितना पुराना हुआ? पुराणों में उल्लेख है उनके मान्यता के अनुसार 5247 वर्ष हो गए, और जो ज्ञात इतिहास है जी उसके अनुसार त्रेता युग में शत्रुघ्न जी ने इस नगरी को बसाया जी। तो पहला मंदिर जो बना इस परिसर में यानी कारागार स्थल पर, वो भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने बनाया। और जो इतिहास में लिखा है महमूद गजनवी के ही मीर मुंशी ने, वो लिखता है जो मुख्य प्रतिमा थी वो 40 मन सोने की थी ठोस। अच्छा। और वही लिखता है कि उसके मस्तक में जो तिलक था उसमें 1.5 शेर का नीलम लगा था। मथुरा आने का तात्पर्य होता है यमुना जी का स्नान प्रथम जी, और भगवान कृष्ण के जन्मभूमि का दर्शन जी, दो ही उद्देश्य होते हैं जी। आगे है मथुरा के पेड़ों के कारखाने में जानूंगा उनके स्वाद का राज। मैं तो आंखों से भी बहुत देर से खा रहा था। देखूंगा नमामि गंगे द्वारा भारत का पहला ट्रीटमेंट प्लांट जो रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक से काम करेगा। जाऊंगा भारत के सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक मथुरा संग्रहालय में। मथुरा में कुछ गलियां ऐसी हैं जहां एक खुशबू आपको अपनी तरफ परपस खींचती है। अगर आप उस खुशबू के पीछे जाएंगे तो खुद को मशहूर मथुरा के पेड़ों के नजदीक पाएंगे। तो मैंने आपको मेरठ में बचपन की यादों के बारे में बताया था। ऐसी मेरी बचपन की याद है कि जब भी ट्रेन इस क्षेत्र से गुजरती थी हमें मथुरा स्टेशन का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता था। दरअसल मथुरा स्टेशन से ज्यादा मथुरा के पेड़ों का इंतजार रहता था। 10 मिनट मिलते थे उन पेड़ों को खरीदने के लिए। तो अब जब मैं मथुरा में हूँ और रग रग में गंगा का बोलबाला है, तो मैं मथुरा में पेड़े की दुकान पे नहीं, पेड़े की फैक्ट्री पहुँच गया, ये जानने के लिए कि आखिरकार बात क्या है इन पेड़ों में, क्या जाता है इनकी रेसिपी में कि लोगों की ट्रेन छूट जाती है इन पेड़ों के चक्कर में। यार क्या बात है कि इतने सालों से मथुरा के पेड़े इतने मशहूर हैं। मथुरा के पेड़ों की मान्यता इसलिए है बिकॉज यहाँ पर कृष्ण जी को भोग पेड़ों का चढ़ता है। दूध दही मक्खन तो हम सब ने चुना ही है, बट पेड़ा इज समथिंग विच सर्व्स लाइक अ डेलिकेसी टू लॉर्ड कृष्णा। सो उसकी एक अहमियत है जो कई सालों से चलती आ रही है। एक अहमियत है लेकिन एक स्वाद भी है।
बिल्कुल है। तो स्वाद नहीं बदला जरा सा भी? सर स्वाद इसलिए नहीं बदला है बिकॉज रॉ मटेरियल आज भी हम प्योर से प्योर फॉर्म में प्रोक्योर करते हैं। इंग्रेडिएंट्स कोई ऐसे बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे नहीं है। इट इज जस्ट मिल्क एंड इलायची शुगर, वेरी बेसिक। इलायची, दूध, शुगर, तीन चीजों से पेड़ा बनता है और पता नहीं तीन दशकों से लोगों को दीवाना बना के रखा हुआ है। बिल्कुल। कितना पेड़ा बनाते हो एक दिन में? बना लेते हैं करीब टनों में बना लेते हैं। टनों में? हाँ जी। फेस्टिवल्स के टाइम पे ज्यादा कंजम्पशन होता है, वीकेंड्स पे ज्यादा होता है, व्हेन देयर जब यहाँ टूरिस्ट फुटफॉल होता है तो पेड़े की कंजम्पशन बढ़ जाती है। जो हिंदुस्तानी बाहर होते हैं जिन्हें मथुरा के पेड़े खाने तो उन तक भी पहुँच जाते हैं। जी जी, उनको उनका पेड़ों का मथुरा का स्वाद खींच लाता है और नहीं खींच पाते हैं बेचारे तो हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं। चलिए तो एक राउंड मारते हैं फैक्ट्री में, देखते हैं कि पेड़े बनते कैसे। तो ये खोया बन रहा है? हाँ जी। ये सब खोया बनाते हैं? ये मतलब पहले ये स्टेज होती है, उसके बाद ये सब पकना शुरू होता है? हाँ जी, जैसे जैसे प्रोसेस भरता जाएगा प्रोडक्ट ब्राउन होता जाएगा। तो वहाँ खोया बना, उसके बाद हम इसमें यहाँ मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद ये फिर ये प्रोसेस। अच्छा, तो ये मतलब ऑलमोस्ट फाइनल प्रोडक्ट है? फाइनल प्रोडक्ट है, वी लेट इट ड्राई, कूल डाउन अ लिटिल बिट। कूल होने के बाद देन वी टेक इट फॉर प्रोसेसिंग, जहाँ हम हाथ से बनाते हैं। ये मिठाइयों का गढ़ है सर, यहाँ पे 100 तरह की मिठाइयाँ बनती हैं और मैं अब आपको पेड़ा टेस्ट कराने जा रहा हूँ। ये फाइनल पेड़ा? जी। आई होप यू लाइक इट सर, मतलब मैं तो आंखों से भी बहुत देर से खा रहा था। क्या कहूँ मैं, बताऊँ आपको एक बात, अब समझ में आ रहा है कि क्यों वो ट्रेन छूटने पे अफसोस नहीं होता। ट्रेन तो दूसरी मिल ही जाएगी, ये पेड़ दूसरे नहीं मिलेंगे। वी कॉल इट डिवाइन पेड़ा। या या, टोटली डिवाइन, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। एब्सोल्युटली, इट्स यम्मी, इट्स वंडरफुल। अगर किसी शहर में हर रोज लाखों श्रद्धालु आएंगे तो उस शहर की यमुना के पानी को साफ रखना निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसीलिए मथुरा में नमामि गंगे 30 एमएलडी क्षमता का नया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी बना रहा है। इसके साथ साथ तीन मौजूदा एसटीपीज जिनकी क्षमता 37 एमएलडी है उनको और ज्यादा बेहतर कर रहा है। इस तरह से मथुरा में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़कर 67 एमएलडी की हो जाएगी। यहां 20 एमएलडी क्षमता का टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट यानी टीटीपी बनाया गया है। नमामि गंगे योजना के तहत ये पहला हाइब्रिड एनुइटी तकनीक से बना प्रोजेक्ट है जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर को फिर से उपयोग करने लायक बनाएगा, फिर इस साफ पानी को इंडियन ऑयल रिफाइनरी को दिया जाएगा। इससे यमुना के पानी का बखूबी संरक्षण होगा। ये परियोजना एक आदर्श पहल है और अनुमान है कि इस साल के अंत तक ये परियोजना पूरी तरह से कार्यरत हो जाएगी। मथुरा एक प्राचीन शहर था ये हम सब जानते हैं और हम इसका सिर्फ आज ही देख सकते हैं। अब इसका बीता हुआ कल कैसा था, प्राचीन मथुरा कैसा था, इसका अगर आपको अंदाज़ा लेना हो तो यहाँ मथुरा संग्रहालय में आना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्राचीन मथुरा के कुछ अवशेष मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये मथुरा संग्रहालय भारत के कुछ सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है। हमारा इतिहास और हमारी सभ्यता को दर्शाती मथुरा संग्रहालय की ये खूबसूरत कलाकृतियां आपको समय के उस दौर में ले जाएंगी जो कभी हकीकत था पर आज कल्पना से भी परे है। अच्छा, ये म्यूजियम सुना है मैंने, बहुत पुराना म्यूजियम है। जी, इसकी स्थापना 1874 ईस्वी में श्री एफ एस ग्राउज महोदय जो कि उसमें जिलाधिकारी थे यहाँ मथुरा के, उनके द्वारा ये स्थापना की गई। मतलब 1874 में? 1874 में। तो मुझे किसी ने बताया था कि इसमें जो अवशेष जो मिले हैं ये बहुत ही प्राचीन काल के हैं। हमारे पास प्री हिस्ट्री काल से मिलना चालू होते हैं, मध्य काल तक के एंटीक्विटी मिलते हैं, कुषाणा, सुंगा, ये सब काल के, फिर गुप्ता काल के एंटीक्विटी मिलते हैं। जो सबसे फेमस है यहाँ के जो मथुरा कला जिसके कुषाण काल के पुरावशेषों से फेमस है। क्या बात है, तो इसके बाहर तो बहुत सिक्योरिटी होनी चाहिए, ये तो खजाना है ये तो। जी 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 जी, लोग बैंकों में जाके डाका मारते हैं, डाका तो यहाँ मारना चाहिए क्योंकि तो चलिए एक काम करते हैं, इन कलाकृतियों को करीब से देखते हैं। जी जी, एक कुषाण सम्राट महाराज कनिष्क की मूर्ति है जो कि कुषाण काल में कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। मैंने पढ़ा ये इतिहास है, फर्स्ट सेंचुरी में, फर्स्ट सेंचुरी एडी, आज के लगभग 2000 वर्ष पहले की। बहुत वजनदार होगी। जी 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 जी, इसीलिए डाका नहीं मारते लोग यहाँ। जी जी, के जो कलाकृति है ये कम से कम कुछ टनों में जाएगी। जी 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 जी, ये कौन सम्राट है जो अभी आपको बताया, कुषाण सम्राट कनिष्क के फादर। अच्छा, एक बात बताएं, ये मेरी एक जिज्ञासा है कि उस समय के जो लोग थे वो 7 फुट 8 फुट के हुआ करते थे, बिकॉज इतनी बड़ी मतलब विशाल कलाकृति है ये। पृथ्वीराज चौहान के बारे में सुना मैंने, वो हाँ बहुत लंबे चौड़े महाराणा प्रताप को देखा, महाराणा प्रताप 7 फुट के थे ना, तो
तो ये हम धीरे धीरे हमारा कद घटता गया, दिमाग बढ़ता गया। ये देखिए कितनी खूबसूरत कलाकृति है। कब की है ये? ये भी फर्स्ट सेंचुरी एडी की है। फर्स्ट सेंचुरी कुषाण काल की है। ये बोधिसत्व की प्रतिमा है। तो इसका मतलब कुषाण काल में जो कलाकार थे, हाँ, ये खास कला होगी उस समय की, नहीं? जी जी जी, वो खास कला, मथुरा कला उस समय खास कला थी। लाल बलुए चित्तीदार बलुए पत्थर से बनी है, जो कि मथुरा कला की पहचान है। जी, यहाँ कॉलेज के बच्चे वगैरह पढ़ने भी आते हैं, मतलब देखने के लिए आते हैं, जो रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, यहाँ तक कि इंडियन नहीं फॉरेनर भी आते हैं हमारे यहाँ। सुबह से लेकर शाम तक उनको एकक मूर्तियों की स्टडी करते हैं, उनको इतना मथुरा कला से लगाव है। अच्छा, जो ये मूर्तियाँ हैं, जो ये कलाकृतियाँ हैं, ये सब मथुरा में मिली हैं? हाँ, मोस्टली मथुरा में मिली हैं, और उसके आसपास जो ब्रज क्षेत्र है उनके पूरे एरिए से मिलती है हमको। एक गंगा की प्रतिमा है जो कि 6वीं सदी ईस्वी की है, और इसमें आप देख सकते हैं कि मकर दिखाई दे रहा है, जिससे कि हम पहचानते हैं गंगा की है। मकर मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ जो उनका वाहन था, क्रोकोडाइल। आज के लगभग 1400 वर्ष पुरानी मूर्ति है। तो गंगा है तो यमुना भी होंगी? यस, ये यमुना की मूर्ति है, उसमें द्वार स्तंभ के रूप में है, और उनको आप कच्छप वाहिनी के रूप में देख सकते हैं। नीचे इनका वाहन कछुआ है, जिससे कि पहचानी गई यमुना की मूर्ति है। ओह, अच्छा, आप इस संग्रहालय की देखरेख करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी सबसे पसंदीदा कलाकृति कौन सी है? जी, हमारी सबसे पसंदीदा कलाकृति जो गुप्त काल की भगवान बुद्ध की मूर्ति है, जो कि अभय मुद्रा में खड़ी थी। ये आपकी नहीं है, देखने के बाद मेरी भी फेवरेट हो गई है। उनका एक हाथ टूट गया है, हाँ, और देखने से लग रहा है कि कोई महात्मा, कोई भगवान गार्ड की, मतलब अर्ध नेत्र खुले हुए। हाँ, जी, और सबसे कमाल की बात इस कलाकृति की ये है कि ऐसा लगता है कि कपड़े पहने हुए, हाँ, और है तो लेकिन एक ही पत्थर, फिर भी ऐसा लगता है कि ऐसे वो पारदर्शी, जो आपने कहा, बहुत सुंदर। आगे है भक्ति और श्रद्धा का अनूठा संगम, वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। देखूंगा लीलाधर की लीला निधिवन में, इस्कॉन मंदिर में समझूंगा गीता का सार, और यमुना नदी पर उठाऊंगा कृष्णा की बांसुरी का आनंद। अपार भक्ति और श्रद्धा का जीता जागता स्वरूप है वृंदावन का ये बांके बिहारी मंदिर। इस मंदिर की मान्यता इतनी है कि रोज मंदिर के कपाट खुलते ही हजारों की संख्या में भक्ति रस में डूबे भक्त भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन को उमड़ पड़ते हैं। हर माँ बाल गोपाल के इस रूप को अपने मन मंदिर में बसाकर यही प्रार्थना करती है कि मेरे घर भी बाल रूप की ऐसी ही छवि आए। 1864 में बांके बिहारी मंदिर अस्तित्व में आया, और तब से ही ये वृंदावन का मुख्य आकर्षण है। बांके बिहारी से वृंदावन है, या वृंदावन से बांके बिहारी, इन दोनों को कभी जुदा नहीं किया जा सकता। हमारे पुराणों की माने तो भगवान कृष्ण की ऐसी महिमा है कि उनके उम्र के हर पड़ाव की पूजा की जाती है। जैसे ये बांके बिहारी मंदिर, जहाँ कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। इस मंदिर की श्रद्धालुओं में इतनी आस्था है कि भोर होते ही लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं आरती के दर्शन के लिए, और आरती भी ऐसी जहाँ मंदिर के घंटे नहीं बजते। इस बात का ख्याल रखा जाता है कि कहीं मंदिर के घंटों से बाल कृष्ण घबरा ना जाए। मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि इतना ही ख्याल अगर हम अपने पड़ोसियों का रख लें तो बाल कृष्ण का आशीर्वाद दुगना मिलेगा, यकीन से। बांके बिहारी मंदिर में बाल रूप के दर्शन करने के बाद अब बारी थी युवा कृष्णा की झलक देखने की। अगर बाल कृष्ण की पूजा बांके बिहारी मंदिर में होती है तो युवा कृष्ण की रासलीला यहाँ निधिवन में देखी जाती है। ऐसा कहते हैं अब भी हर रात कृष्ण राधा और गोपियों के साथ में यहाँ रासलीला मनाने आते हैं। लीलाधर की लीला अजब, भक्तों के लिए कृष्ण का हर रूप उन्हें मोहित कर ही लेता है। हजारों सालों से कृष्ण के भक्त उनका नाम लेकर नाचने लगते हैं। तो कृष्ण की रासलीला के बारे में पूछते हैं इसी निधि वन के सेवा अधिकारी रोहित से। कितने सालों से यहाँ पे?
हम यहाँ पे 10-12 साल से सेवा कर रहे हैं, उससे पहले हमारे पापा ने सेवा करी है जी। 10-12 साल में कितनी बार कृष्ण के दर्शन हुए? कृष्ण जी के दर्शन तो जैसे हम रोज आते हैं, जिधर राधा रानी और कृष्ण भगवान सेन करते हैं उधर हम सेज सजाते हैं, फूलों की सैया लगाते हैं, सुबह आके देखते हैं तो फूल बिखरे हुए मिलते हैं, लोटे में जल नहीं मिलता है, यहाँ पे 7 ताले लगाए जाते हैं, उसके बाद में सभी भक्तों के सामने 7 ताले खोले जाते हैं। देखिए इसे कहते हैं चमत्कार। तो यहाँ पर कहते हैं हर रात को कृष्ण आते हैं और रास लीला करते हैं। जितने भी आप वृक्ष देखोगे 16108 वृक्ष माने जाते हैं, भगवान कृष्ण की गोपियाँ आती 16108, तो एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के यहाँ पर रात में रास करते हैं। ये वृक्षों में एक खास बात है, आप नीचे से देखोगे एक जड़ निकलती है, ऊपर जाते जाते दो हो जाती है। चलिए उन वृक्षों से मिलते हैं जो इससे पहले की वो गोपियाँ बन जाए। ये सब ठाकुर जी के समय के वृक्ष हैं और इनका कद नहीं बढ़ता। इनका कद नहीं बढ़ता, ये बढ़ते भी हैं तो नीचे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो ब्रज रज है यहाँ पर ठाकुर जी खेले हैं, यहाँ ठाकुर जी ने रास किया है गोपियों के संग में, उस ब्रज को नमन करते हैं। बताइए अब क्या कहूँ मैं, ये माया है चमत्कार, लेकिन जो भी कुछ है कितना खूबसूरत, सोच कितनी खूबसूरत है ये। चलिए मैं कुछ देर गोपियों के साथ भ्रमण कर लूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वृंदावन में पाए जाने वाले ये वृक्ष वृंदा तुलसी के नाम से जाने जाते हैं। कृष्णा से भी जुड़ी हर पौराणिक कहानी गजब है। ऐसा रास वो रचाते हैं कि आप बस कल्पना करते ही रह जाते हैं। किसी भी पेड़ को देख लीजिए तो ऐसा लगता है कि वाकई गोपियां नृत्य की मुद्रा में खड़ी हैं। अभी इनमें जान आ जाएगी और ये नाचना शुरू कर देंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति पूरे विश्व में विद्यमान है। शांति की खोज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण फाउंडेशन यानी इस्कॉन के मंदिर में दुनिया के हर भाग से भक्त आते हैं। इस्कॉन की स्थापना 1966 में हुई थी और आज विश्व भर में उनकी शाखाएं हैं। यहां मेरी मुलाकात हुई इस्कॉन के को फाउंडर्स में से एक से, जिन्होंने मुझे बताया गीता का सार। 60s में आपने गीता पढ़ी और वो आपको जिंदगी के सारे जवाब मिल गए आपको? हाँ, जिन्हें भी जो मेरे दिल के अब बीटर भटक रहा था, जो प्रश्न था, सारे उत्तर मिले भगवद गीता में। गीता की सबसे अच्छी बात ये आपके दिमाग में कोई प्रश्न है और आप गीता को अगर पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद गीता आप ही के लिए लिखी गई थी। सारी समस्याओं का समाधान आपको उसी गीता में मिलेगा। एंड वन थिंग दैट आई पर्सनली हैव लर्न्ड इन दिस ट्रिप ऑफ आवर्स इज दैट एवरी प्रॉब्लम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर and every solution also, I mean, resides here, yes. Right here. Yeah, Krishna says, the uncontrolled mind is our enemy, controlled mind is our friend. आपका मन आपका दुश्मन भी है, आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त भी है। अब ये आपको तय करना है कि उसे दोस्त बना के चलना है या उसे दुश्मन रख के आगे बढ़ना है। मैं जानता हूँ गीता एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पर ऐसी क्या बात थी जो आपको खींच लाए? Basic was that I was looking for happiness, and that we get from reading Bhagavad Gita and from chanting the Hare Krishna mantra. Bhagavad Gita was written in 200-400 BC. Do you think it is still relevant? Well, nothing has changed. Everybody is still being born, growing old and dying. Nothing has changed. And nobody wants to die, nobody wants to grow old. These are the problems of life. We want to be eternal and actually the soul is eternal. तो इनका ऐसा कहना है, हम चाहते हैं कि हम हमेशा अमर रहें और हकीकत तो ये है कि हमारी जो आत्मा है वो दरअसल अमर ही है और इन सारी बातों का जिक्र वर्णन हमारी गीता के अंदर है। How to live in this world but not be in this world. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama, Rama Hare Hare. मथुरा की धरती पर ठलता सूरज और बांसुरी की तान, हर सांस उनकी बांसुरी की तान है और मथुरा का हर दिन गीता का ज्ञान। कृष्णा की बात करते हैं तो बांसुरी खुद ब खुद जहन में आ जाती है। एक बात बताएं, कृष्णा के पास कितनी बांसुरियाँ थी? कृष्णा के पास सिर्फ एक बांसुरी थी और इसीलिए उनके बारे में कहा उनसे बड़ा बांसुरी वादक ना तो कोई हुआ है और ना आगे होगा। एक ही बांसुरी से उन्होंने प्रकृति तक को कंट्रोल किया होता है। तो हर बांसुरी वादक का जो गुरु है जी या जो भगवान होगा वो कृष्ण ही होंगे? सिर्फ बांसुरी वादक के लिए आदि गुरु सिर्फ वो ही है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा कृष्णम वंदे जगत गुरु। चलिए उनको नमन करते हैं। ब्रज की इस भूमि के पानी में, वायु में, खाने में, शोर में सिर्फ कृष्णा ही कृष्णा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कृष्णा सिर्फ एक भगवान नहीं है, महाभारत के एक किरदार नहीं है, कृष्णा एक सोच है, जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक ऐसा तरीका जो ये स्वीकारता है
कि समस्या भी यहाँ है और समाधान भी यहाँ है। ऐसा जीवन जीने का तरीका है जो दूसरों से सवाल नहीं करता, खुद अपने आप से सवाल करता है। जो दूसरों में समस्याएं नहीं ढूंढता, खुद अपने अंदर की समस्याएं ढूंढता है। यही है कृष्ण के जीवन जीने का फलसफा। मैं चलता हूँ, अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होऊंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी जिंदगी की तमाम शिकायतें और समस्याओं की जड़ अपने अंदर ढूंढेंगे, अपेक्षा दूसरों से नहीं खुद से रखेंगे। वादा थोड़ी ना मांग रहा हूँ, बस आपके समर्थन की उम्मीद कर रहा हूँ। कर्मों में ना सही, बातों में ही सही।